हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माल गनीमत को दौलत समझा जाने लगेगा, अमानत गनीमत समझकर दबा ली जाएगी, ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाएगी और इंसान अपनी बीवी की इताअत करने लगेगा और वालिदैन को सताएगा और दोस्त को करीब करेगा, बाप को दूर करेगा, मस्जिदों में दुनिया की बातों का शोरगुल होने लगेगा, कबीले के सरदार बेदीन लोग बन जाएंगे, कमीने कौम के जिम्मेदार हो जाएंगे, इंसान की इज्जत इसलिए की जाएगी ताकि वो शरारत ना फैलाए, गाना बजाने वाली औरत और गाना बजाने का सामान कसरत से होगा, शराब को आम कर दिया जाएगा और बाद में आने वाले लोग उम्मत के पिछले नेक लोगों पर लान तान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमाने में तमाम निशानियां पाई जाएं तो उस जमाने के लोग फिर सुर्ख आंधी और जलजलों का इंतजार करें, जमीन में धंस जाने और सूरतें मस्क हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतजर रहो और इन अजाबों के साथ दूसरी इन निशानियों का भी इंतजार करो। इस तरह जाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए तो पे दर पे दाने गिरने लगेंगे। मौला अली अलैहि सलातु वस्सलाम का इरशाद है, उन्होंने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक ये भी निशानी होगी कि मर्द रेशमी लिबास पहनना शुरू कर देंगे